अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नजर डालते हैं आज के अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कराई गई कथित जासूसी का मामला तूल पकड़ चुका है। भारत समेत कई देशों को अपनी जद में ले चुके इस मामले को लेकर देश में भारी हंगामा जारी है। लोकसभा की कार्यवाही 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच फ्रांस सरकार ने इस मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। भारत में अभी जांच का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अलबत्ता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया के समक्ष यह आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रहा है और वह कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार बन रहा है। विपक्ष पहले भी दूसरी लहर के दौरान नकारात्मक भूमिका निभा चुका है। पेगासस जासूसी मामले में जो कथित नई लिस्ट जारी की गई है उसमें एक महिला के मोबाइल नंबर भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिसने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक समिति ने गोगोई को क्लीन चिट दे दी थी और उनके रिटायर होने के बाद सरकार ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया था। मानसून सत्र के आज दूसरे दिन भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। भारी हंगामे व मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बना रहेगा। सरकार देश में कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बताती है। जो झूठे आंकड़े सरकार जारी कर रही है वो सत्य से दूर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इसी साल 15 मई को कहा है कि जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए। सरकार का समर्थन करने वाले संघ की क्या नीति और मंशा है, यह इससे पता चलता है। पोर्नोग्राफी के आरोप में गिरफ्तार किए गए फिल्मी कलाकार शिल्पा शेट्टी के पति व उद्योगपति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सुबह मेडिकल टेस्ट कराए जाने के बाद राज को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनकी 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है। राज पर अश्लील फिल्में बनाने व कारोबार करने का आरोप है। राज के मोबाइल को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। मोबाइल में पॉर्न फिल्मों के कारोबार से जुड़े कुछ राज दफन होने की बात कही गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष है, लेकिन चुनावी जंग तेज हो गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि भाजपा ही विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, बाकी सब तो यहाँ पर्यटक के रूप में आते जाते हैं, उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी नेता न कोरोना संकट के दौरान दिखे और न ही बाढ़ के दौरान, इनका किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष सिर्फ मीडिया में खुद को बनाए रखने के लिए सोचता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 139 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई में 3,196 बदमाश घायल भी हुए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस के 13 जवान भी शहीद हुए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार की अपराध कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। संगठित अपराध का सफाया कर दिया गया है। 20 मार्च 2017 से 20 जून 2021 तक कुल 139 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 3,196 घायल हुए हैं। सरकार के 4 वर्ष के अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15,74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सर्वाधिक कार्रवाई 2020 से अब तक की गई है, जिसके तहत 13,22 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। कोरोना की रफ्तार कम होते ही व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास भी तेज हो गए हैं। पंजाब में 26 जुलाई से 10वीं 11वीं और 12वीं के स्कूल खोलने का निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बाजारों में भी चहल पहल नजर आने लगी है। यह एक चिंता का सबब भी हो सकता है। एक बड़ा चैलेंज तीसरी लहर को आने से रोकना भी है। यूपी कैबिनेट विस्तार को बीजेपी आलाकमान ने अपनी मंजूरी दे दी है। समझा जा रहा है योगी नए विस्तार में मोदी मॉडल अपना सकते हैं। भाजपा और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल में जिन नए चेहरों को जगह दी जाएगी उस पर भी सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 तक नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। इसी महीने होने वाले विस्तार की तारीख की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद की जाएगी। संघ ने बीजेपी को मौजूदा कैबिनेट से किसी को भी नहीं हटाने की सलाह दी है। बीजेपी को इससे फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है।
कल बकरा ईद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को देखते हुए बकरा ईद पर सख्ती रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में 21 जुलाई को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी जगह 50 या इससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करे कि बकरा ईद पर गोवंश व ऊंट की कुर्बानी न हो। प्रशासन यह भी देखे कि जानवरों की कुर्बानी सार्वजनिक स्थान पर न हो। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट भेजा है। आशंका जताई गई है कि आतंकी ड्रोन के जरिए दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा एजेंसी ने आगाह किया है कि आतंकी 15 अगस्त से पहले, खास तौर पर 5 अगस्त जिस दिन जम्मू कश्मीर से 370 हटी थी, ड्रोन के जरिए दिल्ली में हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ड्रोन हमले से निपटने की तैयारी भी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में अगले बरस होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों को भी भरने की कवायद तेज हो गई है। यूपी से विधान परिषद की 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद को विधान परिषद में ले जाने पर भी तेजी से विचार किया जा रहा है। उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल कर ब्राह्मण विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। जितिन प्रसाद यूपी के कद्दावर ब्राह्मण परिवार से आते हैं। दूसरा नाम संजय निषाद का है, जिन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा जा सकता है। संजय निषाद पार्टी के संस्थापक हैं और बीजेपी के सामने दबाव बना रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव मैदान में उतारा जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना की रफ्तार अवश्य धीमी पड़ी है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए हमें अभी से सतर्कता बरतनी होगी। सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, जब तक जरूरी न हो घर से न निकले। घर पर रहें, सेफ रहें, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।